What's up YouTube family, क्या हाल है भाई सबके। आज है बाइक को आए हुए तीसरा दिन और किलोमीटर्स हो चुके हैं 371। अब इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कराने जा रहे हैं, जो मेन होती है हेडलाइट वगैरह मुझे अच्छी चाहिए, क्योंकि मुझे आदत है वही अपनी बे डोमिनार की, तो उसकी हेडलाइट काफ़ी तेज़ थी। इसकी भी तेज़ है, थ्रो भी अच्छा है, पर वही है यार, येलो लाइट से मेरा काम नहीं चलेगा। तो आज जा रहे हैं इसमें हेडलाइट वगैरह काफ़ी काम कराने जा रहे हैं, तो वीडियो एंड तक देखना। करोल बाग जा रहे हैं, हेडलाइट चेंज करानी है, ग्रिप्स लगवानी है, इंडिकेटर बल्ब चेंज कराने हैं, जो इसमें LED लगाने हैं, तो बहुत सारा काम है। और एक जैकेट भी ले रही है आज हम, एक राइडिंग जैकेट भी ले रहे हैं। पैंट हम ले चुके थे पहले से ही DSG की, आज जैकेट भी लेनी है DSG की, तो पूरा सूट बना लेते हैं यार, अब बाइक भी आ गई है। तो अभी तो मैं थोड़ा बहुत चेंज दिख रहा होगा, ये बार एंड मिरर्स लग गए इसमें, ये रॉयल एनफील्ड के ही है। ये बार एंड भाई मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे है, पर काफ़ी महंगे भी है। बाकी डिलीवरी वीडियो देखी होगी तुमने, बताना कैसी लगी यार। मेरे हिसाब से शायद इतनी अच्छी नहीं निकल पाई, केक वगैरह अभी कुछ नहीं लेके आए, इतना मन नहीं था कुछ भी करने का। बाकी पहला एक्सपीरियंस तो मेरा, देखो मैं अभी शेयर नहीं करूंगा तुमसे, वेट करो, सब्सक्राइब कर लो अगर पहला एक्सपीरियंस चाहिए, वो करूंगा मैं तुमसे बाद में, मैं नहीं बताऊंगा भाई, अभी पूछते रहो। इस वीडियो में तो मैं कुछ नहीं बताने वाला, बाइक में क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे कब क्या कराना होता है, वो चीज़ की नॉलेज बहुत ज़रूरी है पता है, और वो इतना लोग कोई ध्यान से बताते नहीं है। पर गाइस मैं बताऊंगा, हर एक पॉइंट बताऊंगा ढूंढ के तुम्हें। डोमिनार पे आते हैं अब, इसमें बहुत देर हो गई, तो इन 3, 2, 1 आ गए गाइस डोमिनार पे। और मैं तो सच बताऊं, इतना ऑकवर्ड है ना भाई इस पे बैठना, इतना इजी है इसको चलाना यार, बहुत ही अलग फीलिंग है एकदम भाई, डोमिनार पे बैठना बहुत ही ज़्यादा अलग, एकदम स्ट्रेट बैठा हो भाई, कोई कुछ नहीं हो रहा मुझे इसमें। गोरी सामने अपनी बेबी, देखो प्यारी तो लगती है। तो गाइस हम यहाँ रुके थे एक छोटे से काम के लिए, तो दोनों बेबीज दिखा देता हूँ तुम्हें, ये रही अपनी और ये रही UC की फॉसिल हेड की डोमिनार। देखो यार तुम गाली मत देना, देखो मुझे सही बता रहा हूँ, लुक्स में अभी भी ये प्यारी है, वो तो थोड़ी फुद्दू सी लग रही है इसके सामने, ये तो ब्लैक, यू नो वंस यू गो ब्लैक यू नेवर गो बैक। ये भी हमने स्मोक करा दी है पूरी, स्मोक तो यार देखो हर जगह होगा स्मोक तो। स्प्लेंडर गाइस देखो कैसे जा रहे हैं लहराते हुए ऐसे, ये ऐसे फ्लाई बाई देके जाते हैं ना स्प्लेंडर वाले, भाई मुझे डर लग जाता है भाई, ये कितना इजी है इसको करना, वो नहीं होती, ये बहुत इजी है, हद इजी भाई इस बाइक को चलाना, वो थोड़ी डिफिकल्ट है पर ठीक है यार, अब ले ली है, अब अपनी है बाइक, बहुत प्यारी है, चलने में तो भाई स्मूथ ऐसी है कि इतना स्मूथ तो मैं, स्मूथ नहीं सॉरी इतना स्मूथ तो मैंने कुछ नहीं देखा आज तक, कोई सी बाइक नहीं चलाई है मैंने इतनी स्मूथ। तो गाइज एक नया अंडरपास मैंने यहाँ पे, इसने भी बताया इससे होके जाएंगे हम, बाइक की आवाज़ सुनना तुम मेरी नहीं उसकी, लेट्स गो। देखो भाई अच्छी आवाज उसकी भी आ रही है और इसकी भी, मतलब ठीक है, ओके ओके आ रही है, वही है, मैं ज्यादा इसको खींचना नहीं चाहता, वरना आवाज देखो ये भी सही ही कर रही है, बुरी नहीं है। काफी लंबा अंडरपास है भाई, इसमें जब एग्जॉस्ट लग जाएंगे तब क्या मजा आएगा। गाइस वेलकम टू करोल बाग, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी कराना है ना, मैं इसे हायाबुसा बना सकता हूँ अभी के अभी। तो ऐसा है यहाँ का सीन करोल बाग का, कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी चीज़ हो, करोल बाग आओ, अभी हमें जगह ढूंढनी है, तो मिलते हैं तुम्हें सीधा शॉप पे। तो गाइस वी आर एट करोल बाग और बाइक में भी इतना काम हुआ है, खाली इंडिकेटर बल्ब लगे हैं दोनों, जो हम तुम्हें दिखाना भूल गए क्योंकि हम ज़्यादा दिमाग खराब हो गए थे इधर उधर घूमते हुए, लाइट नहीं मिल रही थी। बाकी अभी लाइट का काम चल रहा है, लाइट लगेगी इसमें आगे वाली, और हमने कुछ ज़्यादा अभी कराया नहीं है, इंडिकेटर के चारों बल्ब चेंज कराए हैं, और वो तुम्हें वहाँ दिख रहा होगा आगे का जो उसका रिंग होता है वो रैप कराया है, और लाइट लग रही है बस अभी, लाइट वाला प्रोसीजर देखो तुम पूरा। बाकी यहाँ पे शॉप है करके ठीक है, तो इस पर हम लगवा रहे थे अपना सारा सामान, बाइक तो अच्छी लग रही है देखो, ये सामने एक और ब्लॉगर हमारे, मैंने ये भी सारे स्मोक करा दिए थे, पर अभी इन दोनों को हटवा के कम स्मोक लगवाना क्योंकि थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं देखा होगा कि ये नहीं विजिबल है पूरे अच्छे से वीडियो में,
खर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास GTM है, इसलिए खर्चा कर रहा हूँ इसमें। भैया वायर कट मत करना बस, कोई भी जुगाड़ है फिर भी है। चलो कोई नहीं, जुगाड़ ही सही काम होना चाहिए। लाइट तुम्हें दिखा देता है, ये शॉप है कि ये हमारा हेलमेट रखा है। हाँ ये दिस वन लाइट, हम ये लगाने वाले हैं बेसिक बिल्कुल माइनस। पहले ये लगवाने वाले थे मगर बाद में हमें पता लगा कि 110 के लोग 90 वाली बेच रहे हैं, हम फिलहाल ये वाली लाइट लगवा रहे हैं। खाली एक माइनस, ये कोई सर्कल वर्कल कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे, खाली नॉर्मल एक बेसिक ये लगेगी 110 वाट। मैं तो छोटे ब्लॉगर, चुप रहो तुम, ज़्यादा मत बोलो। भाई जी आगे हमारी लाइट प्यार से लगाना भैया, वो स्क्रैच ना पड़े बस इस पर। ये देखो पूरा एकदम रैप करा के सेक्सी हो गया है भैया, सीधी करना ये बिल्कुल। चला के दिखा दो यार एक बार, स्टार्ट तो हो गई। गाइस देखो अच्छी तो लग रही है वैसे लाइट, वो बन गई तो थंडरबर्ड। बेइज्जती कर ले तू, अबे सही है थंडरबर्ड भी लगेगी, देख दूंगा नहीं चलाने को, देख लियो फिर। तो अभी हमारे एक्सपर्ट बैठ के देख रहे हैं कि लाइक सीधी है कि नहीं सीधी, एकदम मेरे हिसाब से सीधी है, देखो स्ट्रेट है, स्ट्रेट एकदम नॉइस, देखो अच्छी लग रही है। ऑन करो लो बीम, हाई बीम करो, नॉइस एम हाई बीम टाइम पर हो जाती है यार, लो बीम क्योंकि बाइक वाली चलनी नहीं चाहिए। एक बार लो बीम चलाओ, लो बीम चलाओ, लो बीम ऑन करो, भाई लग गया, अब उसे करो, अब बंद कर दो, देखिए बंद हो गई ना, अच्छा ओके धीरे धीरे स्विच मारती है, ठीक है ठीक है डन। तो गाइस लाइट का काम डन, मेन काम हमारा जैकेट का था आज का, तो लेट्स सी अब कहाँ जाएंगे इधर से। तो गाइस अपना काम हो गया, ड्यूटी का मतलब खाली बल्ब लगे हैं, लाइट तो नहीं कराई, आगे वाली मेन हेडलाइट हुई जो तुम्हें दिख रही है, बाकी तुम्हें इसकी रोशनी बाद में दिखाऊंगा घर पे जाके, क्योंकि अभी दिन में तो कुछ दिखने नहीं वाला। सॉरी गाइस थोड़े डिस्टर्बेंस के लिए, क्योंकि मैं माइक की तार लगानी भूल गया था, वो भी उत्सव ने बताया। तो अभी धीरे धीरे जा रहे हैं हम टेपिंग कराने, लेमिनेशन तो मिली नहीं। हेडलाइट आपने डेली से डलाई है? ये अभी डलाई है, अभी डलवा के आ रहा हूं, कितनी की पड़ी है? 3 की। तो ये लाइट है और बाकी ये बहुत प्यारी लाइट है, कितनी की पड़ी है? 3 की, 3000 की पड़ी है बस। हां वारंटी इसकी 1 साल, यार बहुत सही पड़ गई है हेडलाइट। तो भैया को लाइट ज्यादा पसंद आ गई, बहुत प्यारी लग रही है, प्यारी लग रही है ना, 3 के हिसाब से जा रही है। हां ये भी अभी वो कराया हमने, ये पे इसका ये क्रोम आता है ना, ये भी रैप करा दिया तो सेम हो गया, फ्लैश पता नहीं चल रहा है इसका। तभी तो एकदम मैं कह रहा हूं ट्रायल खड़ी है ये, फिर मैं भी आज का चेक करूंगा। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। तो गाइस अभी प्लान बन रहा है हमारा एक जैकेट खरीदने का, तो देखते हैं कौन सी लेनी है। राइडिंग जैकेट बहुत ज़रूरी है यार, मेरे पास है राइनोक्स की पर वो इतनी अच्छी नहीं है, का सो बिल्कुल एंट्री लेवल एकदम जो होती है वो है। पैंट में ले ही चुका हूँ पहले DSG की, बाकी देखते हैं शायद जैकेट भी DSG की लूँ, नो आइडिया अभी। तो गाइस डन विद द जैकेट, जैकेट हमने ले ली है, ये दिखी होगी मैंने पहनी है, अभी तुम्हें आगे रुक के दिखाता हूँ जैकेट का लुक कैसा आ रहा है। तो गाइस देखो जैकेट कैसी लग रही है, देख के बताना, लग रहा हो एकदम हीरो, मज़ा आ रहा है। अभी जा रहे हैं घर की तरफ, बाइक इतनी प्यारी लग रही है आगे से, तुमने देख ही लिया होगा वीडियो में, कमेंट करके बताना मुझे इसमें और क्या क्या मोड करने चाहिए, क्या लगवाना चाहिए, क्योंकि देखो भाई मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा, जितना मैंने रिसर्च किया उतनी चीज़ें मैंने इसमें लगवा ली अब तक, बाकी और आनी रह रही है, यहाँ की ग्रिप्स रह रही है, और आज आज में 436 किलोमीटर हो चुके हैं, तो मान लो फर्स्ट सर्विस भी, अगला ब्लॉग शायद फर्स्ट सर्विस का ही होने वाला है, मे बी नॉट श्योर, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। बाकी घर जाके तुम्हें एक बार दिखाता हूँ इसका थ्रो कैसा है, बाकी सब कैसा है, अभी रास्ते में तो कुछ तुम्हें दिखेगा नहीं। तो गाइस ये रही अपनी GT जिस पे आज हमने लाइट लगवाई थी, लाइट तुम्हें यहाँ से दिख रही होगी, तो उसका पहले मैं तुम्हें थ्रो दिखा देता हूँ कैसा है। 110 वोट की थी ये, बोलने के लिए 110 है, बाकी पता नहीं हमें है या नहीं। अभी रात के हो रहे हैं 2:16, काम तो चलता रहता, देखो हमारा टाइम हम देखते नहीं है, तो आओ तुम्हें स्टार्ट करके दिखाता हूँ सीधा इसकी थ्रो कैसी है, लेट्स गो।
एक स्विच लगाया अलग से, सबसे पहले ऑन कर दी ये प्यारा सा DRL जलता है जो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। देखो तुम कितना प्यारा लग रहा है। ओके थोड़ा और लो ब्राइटनेस करके दिखा देता हूँ गाइस, तो अब सो स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखो स्टार्टिंग में ये ऑफ है बिल्कुल, ठीक है। लाइट ऑन करने के लिए यहाँ से स्विच लगवाना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा। ये तुम्हारी लोबी मार रही है, ठीक है। मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो अंधेरा देखो कितना है। लोबी में ऑन करता हूँ तो ये है, अब मैं ऑन करूंगा हाई बीम। देखो कितनी ज़्यादा ब्राइट है ये वाली, और अगर बिल्कुल बंद कर दे तो देखो, तो लाइट तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। अगर किसी को पता करना है कि पूछना है ये लाइट कहाँ से कैसे है, मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हें कहाँ से लेनी है, कितने की पड़ी है। बाकी अगर तुम इसकी बात करो पास की, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इसका सीधा डायरेक्ट गाड़ी के शीशे पे जाएगा और अगला बंदा अंधा हो जाएगा। तो ये एक रिंग भी आ रही है यहाँ पे, अजीब थोड़ी, ये मुझे पसंद नहीं आई, पर ठीक है आगे ब्राइट हो गया है उतना काफ़ी है मेरे लिए। तो गाइज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। कमेंट करके बताना लाइट कैसी लगी, बाकी चीज़ें कैसी लगी, और बाकी अगर मुझे इसमें कुछ और कराना हो तो तुम वो भी सजेस्ट कर सकते हो, मुझे बता देना क्या क्या चीज़ें होती है GT में, क्या मैं करा सकता हूँ। तो बाय बाय गाइज, स्टे ट्यून, बहुत सारी मॉडिफिकेशन आने वाली है। एग्जॉस्ट के बारे में मुझे स्पेशली बताना कौन से अच्छे रहेंगे कौन से नहीं। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।